तो आपकी पूरी जिंदगी जो है दैट इज अ लाइन, एक झूठ की जैसे। इनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है जिस तरीके की टॉक्सिक एक इसमें इंटेंट झलक रही है, मुझे सबसे पहला लगता है वो बहुत खतरनाक है। संदीप रेड्डी मांगा जो है वो रण विजय के कैरेक्टर से खुद ही बाहर नहीं आ पाए तो वो बिल्कुल ही उस एग्रेसिव मोड में चल रहे हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर जो दिख रहा है बस वो, यू हैव टू गिव इट बैक टू दैट पर्सन। आप अनपढ़ हैं, गवार हैं, मतलब ये कैसी बात है, मुझे ये समझ में नहीं आती कि टी सीरीज के लिए जावेद साहब ने इतने ही लिरिक्स लिखे हैं। एट द सेम टाइम अनिल कपूर मेरे ख्याल से ये नहीं लिख सकते हैं। अगर अनिल कपूर, रणबीर कपूर इस पूरे मुद्दे से अग्री नहीं करते हैं, स्टेटमेंट से अग्री नहीं करते हैं, तो उनको सामने आके कैटेगोरिकली इसका खंडन करना चाहिए। जावेद साहब के अगेंस्ट ये लिखना जस्टिफाइड नहीं है। उनकी आर्ट फॉर्म जिसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो यही आर्ट फॉर्म है जिसमें आप अभी बहुत छोटे से बच्चे। जावेद साहब मतलब क्या यही करते हैं, हर मूवी के बाद एक अपना स्टेटमेंट देते हैं कहीं ना कहीं जाके कि ये मूवी ऐसी थी, वो अच्छी थी, ये बुरी थी। भाई वो कोई एक मूवी क्रिटिक बिजनेस में थोड़ी जो ये कर रहे हैं, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ टॉक्सिक। एक आदमी एक औरत को थप्पड़ मार रहा है तो वो कितनी जोर से पड़े, एक जितना उसको प्यार हो, एक थप्पड़ से जान भी जा सकती है। टॉक्सिक मूवी देखा दूंगा, टॉक्सिक मूवी देखा दूंगा, जो किया किसी ने क्रिटिसाइज सारी दुनिया जला दूंगा, जो किया किसी ने क्रिटिसाइज सारी दुनिया चला दूंगा। ये तो नहीं है लिरिक्स यार, यही लिरिक्स हैं, सुनते नहीं हो क्या तुम ढंग से? मतलब भाई ये कौन से लिरिक्स गा रहे हो भाई? चारों तरफ छाए हुए लिरिक्स ये, तुम आजकल मीडिया में देख लो, ट्विटर पे देख लो, जहां पर भी संदीप रेड्डी वांगा रिप्लाई दे रहे हैं अपने क्रिटिक्स को। अच्छा। तो उसमें यही उनका मोड है। हाँ। मतलब ऐसे उस प्री में वो निकले हुए हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी आ जाए। हाँ। और उनकी मूवी में कोई भी कैसी भी कमी निकाल दे तो ही इज गोइंग टू गेट इट, चाहे वो कोई भी हो। तो यही हुआ है अभी जावेद अख्तर साहब, जो कि एक सीजनड वेटरन है, लिरिसिस्ट हैं, डायलॉग राइटर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं। तो जावेद अख्तर साहब ने एक फेस्ट में ये कहा है कि जो मूवीज जिसमें फीमेल कैरेक्टर्स को कितना नीचा दिखाया जाता है और उनके लिए ये कहा जाता है कि लिक माई शू, या उनको कभी भी कैसे भी जो मेल कैरेक्टर है वो थप्पड़ मार देता है और फिर उसको जस्टिफाई भी करता है और उसको प्यार का नाम दिया जाता है, तो ऐसी अगर मूवीज लोगों को पसंद आ रही हैं तो ये ट्रेंड डेंजरस है। बिल्कुल, है ना? तो इस पर ठीक है, ये एक रिएक्शन है जो किसी एक वेटरन आपके बॉलीवुड के ही, आपके ही इंडस्ट्री के एक इंसान ने दिया है, और उसको ठीक है एक इंसान को एब्जॉर्ब करना चाहिए। उसके बजाय उन्होंने जो अपना ऑफिशियल एनिमल मूवी का जो हैंडल है उससे ये रिप्लाई किया है कि योर एंटायर आर्ट फॉर्म इज फॉल्स, है ना? मतलब एक तरह से आपकी पूरी जो जिंदगी थी वो आर्ट फॉर्म उनकी जिंदगी थी जावेद साहब की, तो आपकी पूरी जिंदगी जो है दैट इज अ लाई, एक झूठ थी जैसे, एक फॉल्स थी। तो अभिषेक एक बार पहले वो वीडियो देख लेते हैं कि जावेद साहब ने एग्जैक्टली क्या बोला है, देन वी विल कम बैक। अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो तो ये बड़ी खतरनाक बात। राजीव मसंद एंड अनुपमा चोपड़ा एंड दैट त्यागी गर्ल, ये लोगों के रिव्यू की वजह से मेरे को फर्स्ट डे ओपनिंग मिला। इट्स बिकॉज द क्राफ्ट, नोबडी स्पीक्स अबाउट द क्राफ्ट, नोबडी स्पीक्स अबाउट एडिटिंग, साउंड डिजाइन, नथिंग, बिकॉज दे आर लिटरली इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स। दे आर लाइक दे हैव नो सेंस ऑफ नॉट टू क्रिटिसाइज अ फिल्म और अ रिव्यू अ फिल्म। आई फील लाइक ऑल दिस गाइज दे शुड गो टू चाइना टू यू नो इन चाइना यू नो व्हाट इज द मोस्ट हैपनिंग थिंग इन चाइना, द इंग्लिश ट्यूशन, दे आर गुड विद इंग्लिश सो दे शुड गो एंड ट्यूटर in English, because other than that every time you see the reviews you find new English words, other than that you don't find anything else. And people are saying like bacche hote hue bahar aa rahe theater se, girls are feeling insecure, high school girls, the high school girls are not supposed to go and watch this film, even the boys. So Abhishek, ab ye jo jawab aa raha hai inka, to kya ye justified hai to a veteran of the industry? Ha ye sabse pehle to main ye janna chahunga ki ye likha kisne मतलब एनिमल द मूवी का ये ऑफिशियल पेज है। संदीप रेड्डी वांगा खुद इसको अगर लिख नहीं रहे हैं तो कम से कम प्रूफ रीड तो कर रहे होंगे। पहले अप्रूफ तो वही कर रहे हैं। पहले तो इसकी ग्रामर ही मतलब हास्यास्पद है,
जिसमें भी ये लिखा है, ग्रामेटिकली ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन चलो उसको भी तुम इग्नोर कर सकते हो। आप ये किसके लिए लिख रहे हैं? देखिए जावेद साहब जो है, उनका जो भी करियर रहा है, जितना इलस्ट्रियस करियर रहा है, उनकी पूरी आर्ट फॉर्म जो रही है, जैसा तुमने अभी बताया, जिसको इन्होंने फर्जी कह दिया, जिसको इन्होंने फेक कह दिया, फॉल्स कह दिया, वो मुझे लगता है कि इनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। आप एक नए डायरेक्टर हैं, आपने अभी दो मूवीज डायरेक्ट करी हैं, ये दूसरी मूवी है इनकी, पहली के तो चलो एक वो जो साउथ वाली थी और उसको फिर एक तरह से किया था, है ना, तो रेड्डी एंड कबीर सिंह, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, है ना, इतनी बड़ी हिमाकत करना किसी के लिए और फिर पर्सनल चले जाना। एक तो बात यह होती है कि भाई आपने एक प्रोडक्ट सामने रखा और किसी को वो पसंद नहीं आया और उसने आपके प्रोडक्ट की एक कमी को हाईलाइट किया है, पर्सनली गया है आपके, आपने उसको क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आपने उस इंसान को ही इतने अपशब्द बोल दिए, तो ये मुझे लगता है न सिर्फ डिसरेस्पेक्टफुल है बल्कि शेमफुल भी है। तो संदीप रेड्डी वांगा को चाहिए कि थोड़ा वो चिल करें और जिस तरीके की टॉक्सिक एक इसमें इंटेंट झलक रही है, मुझे सबसे पहला लगता है वो बहुत खतरनाक है। दैट इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड फॉर द एंटायर फ्रेटर्निटी। अभिषेक मेरे हिसाब से तो संदीप रेड्डी वांगा जो है वो सदन विजय के कैरेक्टर से खुद ही बाहर नहीं आ पाए तो वो बिल्कुल ही उस एग्रेसिव मोड में चल रहे हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर जो दिख रहा है बस वो, यू हैव टू गिव इट बैक टू दैट पर्सन। देखो अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पर पूरी देश की नजरें आप पे टिकी हुई हैं, तो सबके एक से ओपिनियन नहीं हो सकते, कभी नहीं और होने नहीं चाहिए। आप ये देखिए जो ऑस्कर विनिंग मूवीज होती हैं उनको तक लोग कहते हैं कि गार्बेज है, कूड़ा है, ये क्या बना दिया। एंड बीइंग अ डायरेक्टर या बीइंग अ क्रिएटर You have to take that with a pinch of salt. Absolutely. आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं यार इसने बोला ये गलत है, उसने बोला वो गलत है। You are losing energy. अगर आप खड़े होकर हर एक इंसान को जवाब देते फिरेंगे, आप जवाब दिए अपने काम से। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप एक डायरेक्टर हैं, नेक्स्ट आप इसका पार्ट लाइए, उसको आप जहां लगे मूवी को सुधारा जा सकता है वहां पे आप सुधारिए, लेकिन खड़े होकर और मतलब जावेद साहब आउट ऑफ ऑल द पीपल्स, ठीक है, पांच सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस इंडस्ट्री के बॉलीवुड के आज तक के जो हुआ अलाइव, ठीक है, पांच ऐसे लोग कौन हैं, तो उसमें मतलब आई थिंक जावेद साहब विल बी देयर, बिल्कुल वो टॉप पे होंगे। हाँ, तो इतने एक जबरदस्त स्टोरी टेलर, एक स्क्रीन प्ले राइटर, ठीक है, जिन्होंने इतने जबरदस्त लिरिक्स लिखे हैं, शायर इतने अच्छे, स्कॉलर मैं कहूंगा मतलब ऑफ द मॉडर्न एज वो रहे हैं, और उनकी जो फिलॉसफी है एक स्टोरी को बनाने की, जो जिस तरह से कैरेक्टर्स को वो डेवलप करते थे, चाहे शोले रही, चाहे जंजीर रही, चाहे स्टार्टिंग की दीवार रही मूवी, ठीक है, अमिताभ बच्चन का तो इंटायर करियर ही उनसे स्टार्ट हुआ और कितने बड़े वो सुपरस्टार बने, तो उनको मेरे ख्याल से एक अलग ही लेवल का रेवरेंस मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। और वो बंदा जिसने अभी तक दो या तीन मूवीज बनाई हैं टोटल, वो एक तरफ से मतलब उनको सुना रहा है, आई थिंक दैट इज डेरोगेटरी। बिल्कुल बिल्कुल, और देखो आपसे पूछा थोड़ी जा रहा है, जावेद साहब ने कोई सवाल आपसे पूछा हो कि आपने ऐसा क्यों बनाया, या मतलब दिस वॉज नॉट इवन अ क्वेश्चन, वो अपना एक फीडबैक आपसे शेयर कर रहे हैं, और एज somebody who has just been a viewer, if not anything else, तो क्या आप एक व्यूअर का फीडबैक नहीं ले सकते? मैं देख रहा हूं कि इन्होंने कई और लोगों को एक ही टोन में सबको नाप दिया कि लोग इलिटरेट हैं और लोग तो एजुकेटेड नहीं हैं और ना जाने क्या क्या। तो अनुपमा चोपड़ा एंड राजीव मसंद, हाँ 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 हाँ, इन दो लोगों को, राइट राइट, तो वो जबकि मूवी क्रिटिक्स है तो उस पे भी हम आएंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप डिसएग्री कर सकते हैं ना, आप उनके ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हैं, इफ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, फॉर दैट शियर रिस्पेक्ट दैट द गाय डिजर्व्स। उन्होंने इतने मतलब जेम्स दिए हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, इतने जेम्स दिए हैं, देते चले आ रहे हैं, आज तक दे रहे हैं, मतलब इतना लंबा करियर और इतना लंबा सक्सेसफुल करियर बहुत ही कम लोगों का होगा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। The man has donned so many hats, अगर आप देखें तो
तो ऐसे इंसान के लिए आप इतना डिसरेस्पेक्टफुल बात बोलना कि आपकी आर्ट फॉर्म ही फॉल्स है, ये मुझे लगता है कि ईगो पे उन्होंने अपनी बात ले ली है, जो कि इनके एंड की बिगिनिंग है। मैं तो इसको ऐसे ही देख रहा हूं। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आदि पुरुष का। अब आदि पुरुष में आप देखिए क्या हुआ, आदि पुरुष भी एक ऐसा प्रोडक्ट आया जिसको जनता से लेके और फ्रेटर्निटी में भी लोगों ने और जहां जिसने देखा उसको वहां क्रिटिसाइज किया, एंड राइटली सो। लेकिन उनके जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, एक्टर्स थे, जितनी भी वो पूरी टीम है मूवी की, उन लोगों ने इनिशियली बहुत कोशिश की डिफेंड करने की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये हवा अब उनके डायरेक्शन में नहीं चलने वाली है, तो उन्होंने आके माफी भी मांगी, जहां पर जरूरत पड़ी सीन्स को एडिट भी किया, रीडू भी किया, और अल्टीमेटली वो एक प्रोडक्ट ऐसा लेकर आए जो उनके हिसाब से कम प्रेजेंटेबल था। वो उतना ही ऑफुल फिर भी रहा, एक अलग बात है, लेकिन कम से कम आप देखिए कि उन्होंने इस तरीके का एक ईगो, एक एरोगेंस एक पॉइंट के बाद विथड्रॉ कर लिया। वो कभी पर्सनल लेवल पे नहीं गए, पर्सनल पे भी नहीं, कभी ये नहीं कि स्पेसिफिकली किसी इंसान को पकड़ के कि तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारा अस्तित्व ही गलत है, तुम्हारा एंटायर आर्ट फॉर्म इज रॉन्ग, वो कभी नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, जस्टिफाई आप करिए अपने आप को, वो एक अलग बात होती है, लेकिन टू हिट समबडी बिलो द बेल्ट, दैट आई थिंक इज रॉन्ग। और फिर अनुपमा चोपड़ा जो है या राजीव मसंद है या किसी और का भी वो नाम ले रहे हैं, कोई बहुत लोग यूट्यूबर है, बहुत लोग जो भी जिन्होंने भी मतलब वो किया, मतलब ये कैसी टॉक्सिसिटी है कि आप अगर मेरी बात से अग्री करते हैं तो आप एजुकेटेड भी हैं, तो आप लिटरेट भी हैं, एंड देन यू आर क्वालिफाइड टू रिव्यू माई मूवी, लेकिन कहीं आप एक आयोटा भी अपना डिसएग्रीमेंट उनके किसी प्रोडक्ट से या उनकी किसी बात से, डायलॉग से या मूवी एज अ होल से दिखा देते हैं, तो आपका पूरा करियर ही फॉल्स है, आपका पूरा आर्ट फॉर्म ही फर्जी है, आप अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मतलब ये कैसी बात है, मुझे ये समझ में नहीं आती। नहीं, और ये भी इनसे पूछने की जरूरत है कि जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, एनिमल मूवी लिखा तो हुआ है लेकिन किसकी तरफ से है, संदीप रेड्डी वांगा है या टी सीरीज है या अनिल कपूर है या रणबीर कपूर है, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि टी सीरीज के लिए जावेद साहब ने कितने ही लिरिक्स लिखे हैं, बिल्कुल ठीक है, कितना ही फायदा टी सीरीज को उनसे पहुंचा है, बिल्कुल इंडस्ट्री को ही पहुंचा है, कितने यादगार गाने उन्होंने दिए हैं जावेद साहब ने। एट द सेम टाइम अनिल कपूर मेरे ख्याल से ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं कि योर एंटायर आर्ट फॉर्म इज फॉल्स, ये अनिल कपूर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अनिल कपूर की जो शुरुआत ही है, जो उनकी हिट मूवीज थी, ठीक है, रूप किरानी, चोरों का राजा, मिस्टर इंडिया, 1942 लव स्टोरी, लव स्टोरी, उसके लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हैं, तेजाब, पता नहीं कितनी मूवीज में उन्होंने अपना योगदान दिया है, एंड सेम विथ रणबीर कपूर, आई डोंट थिंक रणबीर कपूर वुड ever you know support such kind of behavior veterans के साथ। देखो, support ना दो तरीके का हो सकता है, एक होता है tacit support और एक होता है direct support। तो tacit या छिपे हुए रूप से support कौन सा होता है? वो होता है जब आप कुछ बोलते नहीं है, so it is deemed to be a support। तो मेरा point ये है कि अगर अनिल कपूर, रणबीर कपूर इस पूरे मुद्दे से अग्री नहीं करते हैं, स्टेटमेंट से अग्री नहीं करते हैं, तो उनको सामने आके कैटेगोरिकली इसका खंडन करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए, देश डिमस क्रिटिसाइज इट, कि जावेद साहब के अगेंस्ट ये लिखना जस्टिफाइड नहीं है। बाकी हमारे डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह पर, लेकिन किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी के लिए जो उनकी आर्ट फॉर्म जिसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो यही आर्ट फॉर्म है जिसमें आप अभी बहुत छोटे से बच्चे। और यार, एडेड टू दैट, आई डोंट थिंक दैट रणबीर कपूर एंड अनिल कपूर दे आर यस मैन, यहाँ जो डायरेक्टर कह रहा है यस यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट और हमें तो भी काम चाहिए, हर उसमें हर शर्त पे हम तो काम करने राजी हैं और जो आप कह रहे हो सही है, दे कैन डिसएग्री, दे हैव द राइट टू डू दैट। कितने ही ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर किसी ने ट्विटर पे कुछ लिख दिया, ठीक है, या फेसबुक पे लिख दिया या किसी भी पर्सनैलिटी के लिए, और वापस फिर उस ट्वीट को या किसी भी उस पोस्ट को डिलीट किया जाता है, ठीक है। अब आप समझिए, राजीव मसंद हैं, अनुपमा चोपड़ा हैं और जितने भी और मूवी क्रिटिक्स हैं, उनको आप फिर भी एक बार को जवाब दे सकते हैं अगर उनकी तरफ से इस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं जहां पर आपकी मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि कई मूवी क्रिटिक्स ऐसे भी होते हैं जो बायस रिव्यूज देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर आपका जवाब फिर भी एक
रिमोट पॉसिबिलिटी में जस्टिफाइड हो सकता है. लेकिन आपने कितनी मूवीज के ऊपर जावेद साहब जैसे एक पर्सनालिटी का फीडबैक आते हुए देखा है? जावेद साहब मतलब क्या यही करते हैं, हर मूवी के बाद एक अपना स्टेटमेंट देते हैं कहीं ना कहीं जाके कि ये मूवी ऐसी थी, वो अच्छी थी, ये बुरी थी? भाई वो कोई एक मूवी क्रिटिक बिजनेस में थोड़ी है, वो मूवीज को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते. तो उन्होंने अपना फीडबैक दिया है एज समबडी हु हैज बीन अ स्टोरी राइटर, और शायद वो आपका अच्छा चाहते हो. नहीं, ये तो उनको नहीं समझ में आएगा. खैर ये तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थीम देखें इनकी मूवीज की, संदीप वांगर की मूवीज की अगर आप थीम देखेंगे, तो वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पर आधारित है. ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई थिंक राइट नाउ इतना सब कुछ देखने के बाद इट इज सेफ टू अज्यूम कि ये जो छवि है ये कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटी से ही निकल के आ रही है, क्योंकि जो ये कर रहे हैं दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ टॉक्सिक. अभिषेक, आगे बढ़ने से पहले मेरे ख्याल से हमें अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक्चुअली है क्या. हाँ देखो, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से पहले आपको मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी समझना पड़ेगा क्या है. मेल्स के जो ट्रेट्स होते हैं वो मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, फीमेल्स के जो ट्रेट्स हैं वो फेमिनिन ट्रेट्स हैं, एज सिंपल एज दैट. अब इसमें अगर आप टॉक्सिक हो जाते हैं एज अ पर्सन, तो अगर आप एक मेल हैं तो वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बन गई, और अगर आप एक फीमेल हैं तो वो टॉक्सिक फेमिनिटी बन गई. अब टॉक्सिक जो वर्ड है वो क्या सिग्निफाई करता है यहां पर? अगर आप एक टॉक्सिक मेल हैं तो आप दो तरह से ऑपरेट करते हैं, या तो आप जो ऑपोजिट जेंडर है यानी कि जो फीमेल्स हैं उनको ऑप्रेस करेंगे और उसको अपना राइट समझेंगे. और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ना सिर्फ आप विमेन को ऑप्रेस कर रहे हैं बल्कि उन मेन को भी ऑप्रेस कर रहे हैं जो एक नॉर्मल मैस्कुलिनिटी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप अपनी टॉक्सिसिटी को एक वे ऑफ लाइफ समझ लेते हैं. अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे तो एक बहुत मतलब बड़ा बैकग्राउंड फिर हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिसमें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इट ऑल बेसिकली गोज बैक टू द होल अटैचमेंट्स दैट यू हैड विद योर पेरेंट्स. जिसके लिए बाय द वे हमने एक अपने चैनल पे, आई थिंक हमारा पहला वीडियो इस चैनल पे जो था वो अटैचमेंट स्टाइल्स और अटैचमेंट थ्योरी के ऊपर था. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए. तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है ये इनकी मूवीज की थीम रहती है, जिसमें अगर आप कबीर सिंह देखें तो ठीक है, इवेंचुअली वहां पर इन्होंने चीजों को बैलेंस फिर भी कर दिया था. शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है कबीर सिंह, या साउथ वाली जो मूवी थी अर्जुन रेड्डी, तेलुगु मूवी थी शायद, तो उसमें इन्होंने दिखाया कि वो इतना टॉक्सिक हो गया वो बंदा कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि अब वो लड़की के पेरेंट्स हैं तो वहां जाके बिल्कुल ही वो हाई डेसिबल लेवल्स में पूरा उनको नाप दिया एक तरफ से. उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई अगर लड़की है तो उसको भी वो एज एन ऑब्जेक्ट देख रहा है इवेंचुअली अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हो गए दैट इट हैज नाउ बिकम अ क्लिनिकल कंडीशन मेंटली फॉर हिम. तो ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट है ये होता है. और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां हमें देखने के लिए, समझने के लिए, एक मूवी के माध्यम से जब आप एज ए डायरेक्टर एक मूवी बनाते हैं जिसको लोग देखकर कुछ ना कुछ तो वो उसका असर लेके जा ही रहे हैं. अब एक काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका ये हो सकता है कि उन्होंने जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेशन थी वो ले ली. ठीक है, ये ए रेटेड मूवी है. ठीक है, एक मैंने उनका इंटरव्यू सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि 10वीं क्लास की बच्चियां रोती हुई अगर बाहर निकल रही हैं तो मेरा सवाल ये है कि 10वीं क्लास की बच्चियां ये मूवी देखने गई क्यों, ये उनके लिए है ही नहीं. बिल्कुल फेयर, यू हैव टू गिव इट टू हिम. अगर उन्होंने एक मूवी बनाई है जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही टारगेट कर रही है तो उसी को वो देखे. लेकिन अल्टीमेटली जो लोग देख भी रहे हैं, इवन इफ अगर वो 18 साल से ऊपर है, वो व्यस्क है सो टू स्पीक, अडल्ट है और वो उसको देख रहे हैं, तो पॉइंट इज कि क्या वो मैसेज लेकर जा रहे हैं? और आप मैसेज यहां दे रहे हैं ग्लोरिफिकेशन का. तो मुझे लगता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ग्लोरिफाई नहीं करना चाहिए. वायलेंस है, गोर है, हमने और भी मूवीज में देखा है और लोग पसंद भी करते हैं, दैट इज ओके, लेकिन वो फिक्शनल मूवीज है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉन विक एक्सट्रीम लेवल का वायलेंस है. ठीक है, लेकिन लोगों ने पसंद किया. पर क्या उसमें ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है कि उसकी जड़ें ऐसी थी या ऐसा वो बच्चा बन गया और उसको फिर ग्लोरीफाई किया जा रहा है, वैलिडेट किया जा रहा है? क्योंकि लोगों का ना देखो कंफर्मेशन बायस एक चीज होती है. उसमें क्या होता है कि आपके दिमाग में कोई चीज है कि मैं ये ऐसे कर रहा हूं और ये सही लग रहा है मुझे, आप फिर ऐसी ही चीजें ढूंढेंगे जो उस चीज को जस्टिफाई करती हो. तो फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस को आप लीजिए, अगर कोई बंदा डोमेस्टिक वायलेंस में एंगेज कर रहा है और करता चला आ रहा है और अज्यूम करो कि उसका जो स्पाउस है
वो रिटेलिएट नहीं कर रहा है फॉर वट एवर रीजन, वो वीकर है या जो भी है, शर्म है, टबू है, जो भी है, उस वजह से वो रिटेलिएट नहीं कर रहा है. तो इस बंदे के मन में ये चीज कंफर्म है कि हाँ दिस इज द वे ऑफ लाइफ, चीजें ऐसे ही चलती हैं और चलनी चाहिए. अब वो गया ये मूवी देखने, वहां उसने देखा कि अरे यहां तो बोल रहा है लिक माय शू, यहां तो उसको वो चाटा मार दे रहा है. ठीक है, तो मन में एक बात को खटकेगा कि शायद मैं सही कर रहा हूं, मैं भी ट्राई करूं ऐसा कुछ, मैं अब ये भी ट्राई करूंगा. हाँ, ये भी तुमने अच्छा बताया, क्योंकि फिर तो चीजें एस्केलेट होती हैं, राइट. फिर क्या हुआ, इस पर बैकलैश भी सुना उसने, देखा मीडिया में बैकलैश हो रहा है और लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रिव्यूअर्स उस पर नेगेटिव रिव्यूज दे रहे हैं, सो ऑन. तो उसने संदीप वांगा का इंटरव्यू देखा. संदीप वांगा क्या कह रहे हैं कि मैं तो उस प्यार को प्यार ही नहीं समझता जिसमें कि हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को थप्पड़ ना मार सके. हाँ, मेरे ख्याल से ये एक बार वीडियो दिखाना चाहिए व्यूअर्स को. And if you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, and if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't see emotion there. When you are deeply in love, when you are deeply connected with a woman, or vice versa, I mean, there's a lot of honesty in it. And if you don't have that physical demonstration of, if you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. So I feel this woman, whoever talking about this, I feel that they were never in love. Probably they were never experienced it in the right way. Maybe they might be thinking what is right and wrong while they were expressing, I don't know, their personal lives, but I can clearly see that they have never experienced it. ये मजाक चल रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि आप थप्पड़ जब तक ना मारे तब तक वो प्यार नहीं है. ये क्राइम है हसन, ये क्राइम है, मतलब इसको आप कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं बैठ के वहां पर. आईपीसी की धारा जो है कितने लोगों पे लगी है ऐसी चीज के पीछे, मतलब दिस इज शेमफुल. अगर आप उसको जस्टिफाई ही नहीं कर रहे हैं बल्कि ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं कि प्यार तभी है, मतलब अब जो लोग इस मूवी को देखते हैं फिर उनके इंटरव्यू को देखते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि प्यार में अगर कोई हर्ट है तो वो ये कर सकता है या कर सकती है, क्या एक्सट्रीम वायलेंस पे रिजॉर्ट कर सकते हैं. तो मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहता हूं कि क्या प्यार और असॉल्ट सिनोनिमस है, मतलब क्या ये प्रीरिक्विजिट भी है कि आपको प्यार तभी है जब आप मार सके किसी को. इसका मतलब तब तक तो आप उसको रिलेशनशिप में एक प्यार का रिलेशनशिप बोल सकते हैं, अदरवाइज उसको रिलेशनशिप ही नहीं बोल सकते. ये क्या हो रहा है सर. अभिषेक देखो, प्रॉब्लम यहीं पर है जो हम पूरा ये आज हम बात कर रहे हैं ना, वो इसीलिए बात कर रहे हैं कि जो ये साइकोलॉजी है अपने आप में वॉयलेंस को जस्टिफाई करने की, ये गलत है. देखो मूवी में तो एक लिबर्टी होती है, जो भी डायरेक्टर होता है, स्टोरी टेलर होता है, क्रिएटिव लिबर्टी है, वो उसमें कुछ भी दिखाए. फिर एक सेंसर बोर्ड आता है, सेंसर बोर्ड जो है वो एक फिल्टर लगाता है कि ठीक है ये मूवी रिलीज करने लायक भी है या नहीं है. उसमें सेंसर बोर्ड ने इनको ए रेटेड जो भी है सर्टिफिकेट दे दिया. लेकिन तुम इस सोच को देखो कि ये आदमी कह रहा है कि थप्पड़ मारो, थप्पड़ कितनी जोर से मारो, चलो इसी बात पे आ जाओ. अगर एक आदमी एक औरत को थप्पड़ मार रहा है तो वो कितनी जोर से पड़े, एक जितना उसको प्यार हो, एक थप्पड़ से जान भी जा सकती है. नहीं तुम ये देखो, वो फिर वो जो उसका स्पाउस है ना, हस्बैंड है या वाइफ है, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, जो भी है, वो कहते हैं मैं तुमसे तो उसको आप कह रहे हैं कि आप अनपढ़ हैं, गवार हैं, इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं, बदतमीज हैं और जाने क्या क्या हैं. मतलब इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमें इस टॉपिक पे भी अब बातें करनी पड़ेगी. नहीं वो है अभिषेक, और सबसे जो मैं इम्पोर्टेंट एक बात ये मानता हूँ, जो इस मूवी की जो क्रक्स है, जो बेस है, उसमें उस स्टोरी में ये दिखाया है कि एक बच्चा है और एक बाप है. ठीक है, बाप जो है वो बच्चे को टाइम नहीं देता, वो अब्यूसिव एक अपना नेचर दिखाता है, बच्चे को मारता है, पीटता है, ये सब मूवीज में दिखाया है. और बच्चा जो है वो बिल्कुल इग्नोर्ड फील करता है, लोनली फील करता है. यहाँ तक ठीक है सर. हाँ, तो अब यहां से जब वो आगे दिखाते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि लड़का जो आगे जाके हुआ वो वायलेंट हो गया. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ऐसा होता है. हाँ. कितने ही केसेस हमने ऐसे सुने हैं अभिषेक, जहां पर बचपन में लोगों के पेरेंट्स ने उनको मारा, पीटा, अब्यूज किया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, या इग्नोर किया. हाँ, तो वो भी मतलब एक भी किस्मत है और ज्यादा उसमें
इंसान कुछ नहीं कर सकता, जब बच्चा छोटा होता है तो हेल्पलेस होता है वो, तो पेरेंट्स उसको इग्नोर भी करते हैं, उसको मारते पीटते भी हैं, और वो फॉर्चुनेट बच्चे होते हैं जिनको प्यार ही प्यार मिलता है और उस तरह की परवरिश मिलती है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक स्टेटमेंट ये है कि बड़े होने के बाद उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। एज क्रिएटर्स हमको वो मूवीज दिखानी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए जो इंस्पिरेशनल हो, जो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को एक वैल्यू दें, एक बेहतर इंसान बनाए, ना कि और डार्क टोन की तरफ जो है पूरी सोसाइटी को ले जाएं और गलत चीजों को हम वैलिडेट करें। हाँ, ये देखो मेन इशू है लाइफ में, आपको डूज नहीं आते हैं या आप नहीं सीख पाते हैं तो उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन डोंट्स अगर आपने नहीं सीखे तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसीलिए डोंट्स आपको मैं सिखाना चाहता हूं, तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये करने से ये गलत होता है। तो अगर आपने कोई नेगेटिव साइड एक पर्सन की दिखाई है ना, चाहे वो टॉक्सिसिटी ही सही, चाहे उसके बैकग्राउंड में अब्यूज ही सही, वो हमारे समाज की सच्चाइयां हैं और उसको आप दिखा रहे हैं, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। स्पॉइलर अलर्ट, मतलब रणबीर कपूर जो है वो इतनी टॉक्सिसिटी दिखाने के बावजूद भी जिंदा है, मतलब उनको कुछ नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली आपने एक उनको कुछ नहीं हो रहा, मूवी में कहीं पुलिस नहीं है, 100-150 लोगों को अगला आदमी मार देता है, कोई एक पुलिस नहीं देखेगी, कोई आपको कोर्ट नहीं देखेगा, कोई जज नहीं देखेगा, मतलब वो एक स्प्री पे है, जिसको भी लेफ्ट राइट सेंटर वो मार दे और इज आउट। मतलब तो ये होता है ग्लोरिफिकेशन, और इसी से सबसे बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। अगर आप एक मूवी डायरेक्टर है, अगर आप एक मूवी मेकर है, तो वहां पर आपको ये ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आपने जो कुछ दिखाया है उसका एक लॉजिकल एंड दिखाते आप, ताकि मैसेज ये होता है कि अगर आप ऐसे करते हैं, मतलब इट इज अनफॉर्चुनेट कि आपका चाइल्डहुड ऐसा रहा, आप इस तरीके की टॉक्सिसिटी में पड़ गए, लेकिन रीजन कुछ भी रहा, अंजाम उसका एक ही होता है और वो है आपका सर्वनाश होना। तो सर्वनाश नहीं दिखाया है उसका, उसको उन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया है। तो वहां देखो एक बहुत बड़ी इशू है। और अभिषेक देखो, जावेद साहब ने कहा क्या है, जावेद साहब ने जो कहा है वो कहा है ऑडियंस के लिए, वो हमारी ऑडियंस जैसे है या यूट्यूब की ऑडियंस है या इंडिया की ऑडियंस है, जो बॉलीवुड के लवर्स हैं, जो सिनेमा एंजॉय करते हैं, उनके लिए कहा है कि भाई आप जिस भी मूवी के लिए जा रहे हैं, यू मेक श्योर दैट यू सी गुड सिनेमा, बस यही मैसेज है। और टॉक्सिक चीजें और टॉक्सिक जो कि हमारी सोसाइटी को एक हमारी नजरें झुका दे, उस तरह की चीजों को आप एनकरेज मत करिए, ठीक है। एक खुला, एक ओपन वो है, वो पर्सनली नहीं गए, उन्होंने मूवी का नाम तक नहीं लिया, उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा नहीं लिखा, उन्होंने एनिमल नाम नहीं लिखा, तो उसके बाद इतना बड़ा बैकलैश, तो मेरे ख्याल से दैट वॉज मिसप्लेस्ड। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये वार्निंग सिगरेट के पैक्स पे दिखती तो है, मूवीज में जहां पर स्मोकिंग करते हुए किसी भी स्टार को या किसी भी इंसान को दिखाते हैं, वहां पर भी ये वार्निंग होती है, लेकिन क्या इस वार्निंग को दे देने से सिगरेट की टॉक्सिसिटी या उसके दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं, क्या सिगरेट बिकना बंद हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरह इस तरह की मूवीज बेशक एक सर्टिफिकेशन के तहत ही रिलीज की जाती हैं, लेकिन उसके टॉक्सिसिटी, उसके दुष्प्रभाव जो समाज पे होने वाले हैं, जो आपके, आपके बच्चों के, आपके माँ बाप के, आपके परिवार पर होने वाले हैं, वो कोई भी डिबेट नहीं कर सकता। अगर आपने ये मूवी देखी है तो हमें इंतजार रहेगा आपके कॉमेंट्स का, जिसमें आप हमसे शेयर करिए आप किस साइड पर हैं। जावेद अख्तर ने सिर्फ इतना कहा है कि ये इस तरीके का ट्रेंड जहाँ पर टॉक्सिसिटी को प्रमोट किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है, वो डेंजरस है। इस आर्ग्यूमेंट के किस तरफ आप खुद को पा रहे हैं, हमसे कीजिए शेयर। हमें उम्मीद है आज के डिस्कशन से आप लेकर जाने वाले हैं खूब सारी वैल्यू, जिसको यूज करके आप करेंगे अनलॉक अपना 2.0, और देखते रहिए द 2.0 पॉडकास्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमें अपना सपोर्ट दिखाइए। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।